CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का सातवां पाठ, मुइन एहसन जज्बी, सफा 17। तारुफे शायर मुइन एहसन जज्बी, पैदाइश 1912, इंतकाल 2005। मुइन एहसन नाम, जज्बी तखल्लुस था। मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद बगर्ज मुलाजमत मुख्तलिफ शहरों में रहने का मौका मिला। बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबाए उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं से सुबकदोश होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शायरी का शौक बचपन से था। फिरोजा, सुखने मुख्तसर और गुदाज़े शब शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। हाली का सियासी शऊर उनका तहकीकी मकाला है। उनका शुमार मुमताज तरक्की पसंद शायरों में होता है। इकबाल एजाज, गालिब एवॉर्ड, मीर अकादमी लखनऊ और यूपी उर्दू अकादमी के अलावा दीगर कई इनामात व एजाजात उन्हें मिल चुके हैं। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और वहीं तदफीन अमल में आई। सफा 18। गजल गो शायर मुइन एहसन जज्बी की गजल। अब पेश है मुइन एहसन जज्बी की गजल। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। जब किश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब किश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर, साहिल की तमन्ना कौन करे। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर, साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अशकों ने। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अशकों ने। जो अशकों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। जो अशकों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझकर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। दुनिया को समझकर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। मुइन एहसन जज्बी। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, मतले में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। सवाल नंबर दो, अशकों की आग से शायर की क्या मुराद है।
سوال نمبر تین، درجہ ذیل شعر کا مفہوم واضح کیجیے۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ اسی کے ساتھ ہی یہ سبق ختم ہوا۔ گلزار اردو بھاگ ایک کا ساتواں پاٹھ یہاں سماپت ہوا۔ اس کے بعد پاٹھ آٹھ آتا ہے۔ پرستتی CIET NCERT۔